बेहतर। जब मैंने आज पुलिस और उन्द्रों से मुसलमानों को टूटते बिखरते और नसरानियों को यज्ञा होते देखा, तय किया कि मैं खामोश तमाशाई बनकर नहीं जीऊंगा। सिपाही ज्यादा होता तो तालिब शरीफ के पश्चम तले तलवार चलाता, कुछ कर गुजरता या मर जाता। ताजे का बेटा ताजे, मैंने उस दरबार तक पहुंचने का तैयार कर लिया जहां मुसलमानों के लिए नुकसान के सौदे होते हैं। जवाहरात ने दरबार तक मेरी रसाई आसान बना दी। नसरानी औरत से शादी करके मैंने उनका एतमाद हासिल कर लिया, लेकिन मैंने अपनी आंखें और कान खुले रखे और बरसों की मेहनत के बाद कश्मीरिया के मुसलमानों की एक खुशिया जमात बना ली। हम दरबार की रोशनी की किस्म लाते और अंधेरा होते ही फाड़ कर जाते। अगर ऐसी कोई जमात थी तो कहां थी जब हमने तालिब को कैद किया? मुझे मालूम था कि वे दुबारी मुझे यहां भी रुस्वा करेगी। क्या मतलब? हमारी कार्रवाई से वो चौकन्ना हो गए थे। हमें खबर मिली कि मुसिया से किसी मुसलमान कैदी को लाया गया है, लेकिन कौन जानता था कि वो अंदलुस के आजाद रुका को गिरफ्तार करके ले आए। हमें मालूम करना चाहा, लेकिन दरबार के सब मुसलमानों पर शक किया जा रहा था, हमारी निगरानी की जा रही थी। सब मशकूक नहीं थे। एक मुसलमान ऐसा भी था जिसे उस वक्त भी उनका एतमाद हासिल था। कौन? वो जिसने अमीर साली को गिरफ्तार करा है? हाँ वो। अब कहाँ है? जहन्नम। अबू दाऊद, अबू दाऊद, आपने हमें इस रहमत से महरूम कर दिया। अब रहमत हो अबू दाऊद, अबू दाऊद पर लानत हो। कस्तीजे में सोता रहा और मेरी तालिब शहीद कर दिए गए। अरे रबिया, तुम उठ गई? बड़ी देर से सो रही थी। ये कला है, हम कले में है। हाँ सुनो, नशीब हसन दो बार आ चुका है। कौन नशीब हसन? बड़ा तबीब। क्यों आया था? एक बार तुम्हें देखने, एक बार बाबा को। सुबह बाबा अमीर बदल भी आया था, बाबा को अपने साथ ले गया। क्यों? इन शर को गिर कैसे? किस बात कर? वो तो बड़े एहतराम से बातें कर रहा था, बात बात कर बुजुर्ग बुजुर्ग के मोहतरम कह रहा था। इससे मैं सब करते, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? हम अच्छे हौसले बनाता जा रहे थे, हाँ सब ठीक हो जाता। क्या ठीक हो जाता? फिर आप कैसी बातें करती हो? कभी पूछती हो शक तो नहीं हुआ, कभी कहती हो सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती अंजला। हम ना जानना ही अच्छा। क्या नहीं जानती? रबिया, मैं तो इतना जानती हूँ कि वादी कबीर की ये वशी कस्तीरिया के उन दरबारियों से, उन नकली आदमियों से कहीं ज्यादा महजब है। बशीर बिन हसन को देखा, किस्सा धीमे धीमे लहजे में बात करता है। तो तबीब ने तुम्हें अपना मरीज तो ही बना लिया। मैंने उसके साथ जाकर किले के बहुत से हिस्से देखे। इन बागियों की कैसी कैसी बातें सुनी थी हमने कस्तीरिया में। इन्होंने तो सब्जियों के खेत लगाए हुए हैं, एक छपा खाना भी है। सारे तबीब और जरा उसका बशीर का बहुत एहतराम करते हैं। ऐसे क्या देख रही हो? जानता था कि नजरों में आ गया तो जीता नहीं छोड़ेंगे, मेरी नसरानी बीवी को भी मार देंगे। इसीलिए घर बार छोड़कर कमजोर औरतों के साथ निकल पड़ा। रनाता पहुंचकर किसी ऐसे को तलाश करता जो मेरी सुने। किसी खबर थी कि रास्ता भटक कर बिल्कुल सही जगह आन पहुंचूंगा। अजीत जी, बताइए कि ऐसे कितने मुसलमान हैं जो अपनी नजरों में नहीं आए और मुजाहिदों को मुनज़्ज़म करने में मदद दे सकते हैं? कस्तीरिया में बहुत कम, आसपास की बस्तियों में बहुत ज्यादा। कुछ ऐसे भी हैं
जिन्होंने दिखावे के लिए मजहब तब्दील कर लिया है, लेकिन दर पर्दा हमारी मदद कर रहे हैं। अमीर, क्या काफी राय है? मंसूर बिन अहमद से मिला दो। हम कसीर से अब तक दूर रहे, वजह आप जानते हैं, मरकज है, लोग चौकन्ना रहते हैं। आप हम जब मुसलमानों के नाम पते लिखवा दीजिए, हमारे रजाकारों से मिलने की कोशिश करेंगे, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अभी लिखना है? नहीं नहीं नहीं, फिर किसी वक्त इंशाल्लाह लिखेंगे। ठीक है, फिर आप आराम करें, मैं जरा बच्चों से मिल लूं। जी बेहतर। ये कासिद है, अमीर ने आपसे मिलाने का हुक्म दिया। कहो। सुनिए, 50 नए मुजाहिदों की जमात रजाकार सफीर महदी की रहबरी में 2 हफ्ते बाद चूने को चश्मे के रूप से वदी में दाखिल हो, उनके लिए इशारे के अल्फाज मुकर्रर कर दीजिए। अच्छा। और हाँ, जंगल में उस दिन गश्त करने वाले दोस्तों को मुजाहिदों की तादाद और इशारे के अल्फाज से बाखबर रखिए। ठीक है, इशारे के अल्फाज देखो। अशजर जैतून, अशजर जैतून, और इस तारीख में दर्ज कर लो तो। और ये क्या है? जजाही के सामान की फहरिस्त। और तुम्हारी रवानगी कब तक है? मालिक आप आइए, आइए। अब कैसे हो? खुदा का फैसला बिल्कुल ठीक हो, पहले से बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें दर्द तो नहीं है? अब ज्यादा दर्द नहीं है, थोड़ा सा दर्द है, वो भी जाता रहेगा। चलने में कोई तकलीफ? कोई खास तकलीफ नहीं है, चल सकता हूँ। हाथ कैसा है? हाथ ठीक है, हिला जुला सकता हूँ। ऊपर उठाओ, ये देखिए। और ऊपर, और ऊपर, ये देखिए। तब सफर के काबिल हो गए हो तुम? जी हाँ बिल्कुल, जरा सी कमजोरी है वो भी जाती रहेगी। तुम खाओ पियो, कमजोरी भी जाती रहेगी। अच्छा अच्छा, तुम आराम करो। बेहतर। फिर मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा। बेहतर। समझे? जी अच्छा। अन्ना, अन्ना, क्रिस्टो जाना जूलिया, अंधेरे में बैठे मुझे कहे कि नहीं बुला लिया। अजीब लड़की, जब से वादी से आई है ये सब बदल गई, सुबह से शाम तक कमरे में बंद पड़ी रहती। मैंने कौंडे से कहा भी था कि लड़कियों को कौन लेके जाता है जो तुम ले जा रहे हो, मगर कहने लगे बुढ़िया तुझे कम नजर आता है। ये लड़की कहाँ है? ये तो लड़का है, लड़का जूलियो। अन्ना तुम बहुत बातें करने लगी हो। वो मात्र लड़की, अब तुझे मेरी बातें नहीं बड़ी लगने लगी? ओ क्रिस्टो, अल्लाह तुम कहने से नहीं जाओगी। और सुन, वो तुमने मेजा बाजू करने भी छोड़ दी, वो पुतला रेशमी रुमाल वाला कब से बाग में खड़ा है, वादी से जब से आई है सब कुछ छोड़ दिया तुमने। अच्छा तुम जाओ और अब्दुल्ला को भेज दे। अब्दुल्ला को? मानी से तुझे क्या काम है? गरीब आदमी है, सर्दियों के लिए कपड़े देना है। ना मुझे बता दो कौन से कपड़े देने हैं, मैं दे आती हूँ। नहीं नहीं, तुमसे नहीं लेगा, जाओ भेज दो। दरवाजा बंद कर दो, आगे हो। सिद्दीक की सराय देखिए, वहां से सुबह को एक काफिला रवाना हो रहा है, मुसलमानों का काफिला है। अमीर का नाम है बिनजल्दी, ये खत दे रही हूँ बिनजल्दी के हाथ में देना, और किसी को ना देना, वो ना मिले तो वापस ले आना, समझे? अरे हाँ, ये तुम्हारे लिए कर्ज करना, कपड़े बना लेना, और किसी से जिक्र ना करना। मैं किसी के लिए तोहफा मंगा रही हूँ, अगर पहले से खबर होगी तो मजा नहीं आएगा, तो मजा नहीं आएगा, समझ गए? जाओ।
وادی القدیر کے شاہین کے نام. تم کو شاید یاد بھی نہ ہو کہ تم نے کسی پہ وہ احسان کیا تھا جسے زندگی کے ساتھ یاد رکھا جائے گا. اسی احسان کی یاد یہ خط لکھ پا رہی ہے. چند روز ہوئے کہ سیلیا سے ابو داؤد نام کا ایک شخص اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ گرناطہ کی طرف روانہ ہوا ہے. وہ بلا کا سازشی اور عیار ہے. وہ والی گرناطہ اور اس جماعت میں غلط فہمیاں پیدا کرے گا اور فرڈیننڈ کے لیے گرناطہ کے دروازے کھول دے گا. اگر ایسا ہوا تو تمہاری مشکلات بڑھ جائیں گی. جس طرح بھی ہو اسے روکو. تمہارا ایک ہمدرد. تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے. میرا زندگی میں اتنے بہروز بدلے تو مجھے یاد نہیں تھا کہ میرا اصل روپ کیا تھا. ایک ابو داؤد وہ تھا جسے تمہاری ماں جانتی تھی. ایک سیدھا سادہ سا مسلمان. لیکن اس کے بعد حالات نے مجھے کچھ اور بنا دیا. میں خوشاندوی آئین کار بنا. کتنے لوگوں نے مجھ سے نفرت کی, مجھے غدار اور منافق سمجھا. کیا خبر میں واقعی میں غدار تھا. کیا خبر کہ میں اپنے قوم کے کام آنا چاہتا تھا لیکن نہ سمجھے میں الٹی چال چل گیا. دیکھیے ربیا, وہ میری مجبوری بھی ہو سکتی تھی. حالات کیسے بڑھ گئے لیکن اب میں بدلے کے حالات ہیں. ایک ایسی جگہ جہاں پہنچنے کا میں نے ہاتھ بھی نہیں دیکھا تھا. بدر بن مغیرہ جیسے مجاہد کی رفاقت میں کیا میری ان کی شخصیت بیدار ہو رہی ہے؟ کیا میں پھر سے مجھے نہیں معلوم. آپ کے سوا کون جان سکتا؟ شاید وقت یہ وقت ہی بتا سکتا ہے. بس ایک بار گھرنا تھا پہنچتا ہوں, پھر سب باتوں کی تلافی کر دوں گا. ٹھہرے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تشریف لائیے, تشریف لائیے. چوکیوں کے معائنے کے لیے جا رہا تھا, سوچے خیریت پوچھ سکے. تو سنیے ہماری, تشریف لائیے. آئیے, تشریف رکھیے. بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے. تشریف رکھیے. کیوں آپ کا میرا کسوان ٹھیک ہو گیا ہے. سوچتا ہوں اسے تصویریں بھیج دوں. وہ اپنے بیوی بچوں کو لے آئے. اس کے لیے بچے تصویریں ہیں. یہاں وہ ساتھ نکلنا چاہتے تھے مگر میری اجرت اور جگہ کی کمی کی وجہ سے انہیں مجبوراً چھوڑنا پڑا. اب وہ بیچارہ اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہے. اگر بندوبست ہو جائے تو اسے تصویر بھیج دوں. آگے آپ کے بھروسے کا ہے؟ بے شک. یہاں جو کچھ دیکھا ہے کسی سے بیان تو نہیں کرے گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. برسوں سے میرے ساتھ ہے اور میری زندگی کے ہر راز سے بات ہے. اگر اس نے ایک بات ضائع کر دی ہوتی تو آج آپ مجھے یہاں نہ پاتے. بلکہ سچ پوچھیے تو مجھے اپنی نسانی بیوی سے زیادہ اس پر اعتماد ہے. اس لیے کہ وہ مسلمان ہے. میں مقرر ہو سکتی ہوں؟ ماریا آؤ. امیر بھائی, آپ کے لیے کس چیز کا تحفہ؟ سبحان اللہ. یہ اجازت دیں آپ. اچھا, کیا مان لیا؟ کیا مان اللہ. تو تم کیا کہہ رہے تھے کہ تمہیں اپنے مسلمان کچھوار پر اپنی نسوانی بیوی سے زیادہ اعتماد ہے؟ یہ نہیں نا. آہستہ بولو, بیکار غصہ نہ کرو. میں تمہیں پوری بات بتا دوں گا. میں دیکھ رہی ہوں جب سے یہاں آئے تمہیں تبدیلی آ گئی ہے. میری بات تو سنو. میں کچھ نہیں سنوں گی. بس ہمیں تفصیل بھیج دو. پتا نہیں کرنا آدھا جا کر تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو گی. آہستہ بولو بے رخو عورت. کسی نے سن لیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا. کھیل؟ میں تمہیں ملکہ بنانے کے خواب دیکھ رہا ہوں اور تم سب کی تباہی کا سامان کر رہی ہو. سنو, میں کوچوان کو ایک پیغام کے ساتھ بھیج رہا ہوں. جب اسٹیل وقت پر پہنچ گیا تو چند دنوں میں کرناٹک کی سرکار پرجنن کی کمی میں پڑی ہے. میری وجہ سے مریا صرف میری وجہ سے. جانتی ہو تمہیں ایک بار کہا تھا کہ میرے لوگ تم اس سے بڑی سے بڑی چیز کی توقع کر سکتے.
तो क्या मेरी खिदमत के इतराफ में वो मुझे बनाना की मसलत नहीं करते? कैसी खिदमत? बागियों के लड़ने में फंसे और मुसलमान के खातिर थे? नहीं जानती। असलियत तो सबसे बड़ा खतरा बागियों के स्त्रों से और स्त्रों को जोड़े रखने वाले व्यक्ति हमें पता है। अगर मैं इस रस्सी को काट दूं तो सब कुछ बिखर जाएगा। मुझे पहेलियां बुझने का कभी शौक नहीं था। खामोश रहो, देखती रहो और इंतजार करो मुबारक दिन का, जब अमीर बदर नहीं रहेगा। कोचवान अभी अभी उसका पैगाम लेकर पहुंचा। वादी में पहुंचकर भी उसने अपने आका की खिदमत अंजाम दिया। कोचवान ने जिस तरह अबू दाऊद का पैगाम सुनाया है, गुलाम ने उसी तरह लिख लिया। अबू दाऊद ने कहा है कि गुलाम ने वादी में रुकने की इस मजबूरी को कस्तीलिया की फतह के पहले मार्के में बदल दिया। वो कहता है कि वादी में दाखिल होने और बदर को खत्म कर देने का एक मौका इस दूसरे जुमे को हासिल हो जाएगा। उस रोज चश्मे के रुख से 50 नए रजाकारों की एक जमात वादी में दाखिल होगी। उसे कस्तीलिया के सरहदी में गिरफ्तार कर लिया जाए, फिर उन्हीं के कपड़े पहनकर कस्तीलिया के 50 सिपाही वादी में दाखिल हो जाएंगे। कदम कदम पर उन्हें टोका जाएगा। पले तक जिंदा पहुंचने के लिए उन्हें इशारे के अल्फाज अदा करने होंगे। कोचवान सिपाहियों को पले का वो हिस्सा दिखा देगा जहां हम मौजूद होंगे। वहां दो खिड़कियां हैं, अगर दोनों में शमें रोशन हुई तो इसका मतलब होगा बदर हमारे साथ है। बहुत ही खूब। अबू दाऊद के मंसूबे पर अमल किया जाए। कल जगह रहो मिलकर संख्या सरहदी फौजों को तैयारी का हुक्म दिया जाए। क्रिस्तानियों, हम वादी को खाली कराएंगे। आप सोचेंगे कि मेरी कैसी अजीब लड़की हूँ। इस वक्त सिर्फ आपके बेआराम होने का ख्याल।
कहा हमें अकेले में ही आप सोचेंगे कि मैं कैसी अजीब लड़की हूँ। इस वक्त सिर्फ आपके दयाराम हम का ख्याल आ रहा है। बैठिए ना। आप खबरों को मानते हैं? आप हर तरह के होते हैं। आपने कोई हाथ देखा है? मैंने बहुत बुरा हाथ देखा है। मैंने देखा है कि इंसानियों ने कले पर हमला कर दिया है। ये बताओ क्या आपने ये नहीं सुना कि ख्वाबों की तबीर उल्टी होती है? आप इतना कला हर तरफ से महफूज है और हम अपने मेहमानों की हिफाजत करना चाहते हैं। नहीं आप अलग समझिए, मुझे अपने मन के बारे में कोई फिक्र नहीं। मैंने ख्वाब में देखा है कि हमारा कुछ लोग उस पर से आप गौर कर रहा है। कुत्ता मैं एक ख्वाब की वजह से आपके बारे में मुझे कहा था कि वो इस बात का देते हैं। ये कुछ जान को बुरा भी नहीं समझती। कुछ बुद्धि नहीं है मेरे पास। मेरे कस्तूरिया पहुँच कर वो किसी दबाव किसी धोखे में आ सकता है। लालची नहीं है मगर कमजोर आदमी है। आप समझ रहे हैं ना? कभी उनके आदमियों को बाजू में दाखिल होने के तमाम बात को मानू और मैं ये भी मालूम है कि ये रास्ते तलवार की धार पर से गुजरते हैं। अमीर भाई मैं बार बार आपके बारे में सोचती हूँ। इन्हों का हर मुसलमान और हर मुस्लिम आपके बारे में सोचता है। एक बहुत बड़ी बदकिस्मती के बाद आप उनकी पहली खुशनसीबी हैं। लेकिन हर बुले आदमी की तरह आपके भी यही कमजोरी है कि जल्द इतफाक कर लेते हैं। ये कदम के पीछे छिपे चेहरे नहीं पहचानना जानते। हो सकता है कुछ आदमी ने कुछ ऐसा सुन लिया हो कुछ ऐसा देख लिया हो जिसका फायदा दुश्मन को पहुंच जाए। वादे कीजिए आप हर तरह अपना ख्याल रखेंगे पूरी तरह से करना रहेंगे। तुम पहली लड़की हो जिसने मुजाहिद की जिंदगी को इसके लिए कैदी बना दी है। मैं वादा करता हूँ पूरा एहतियात करूंगा। हम अब तालाब में मक्खी बन नहीं गए। हर 10-20 दिन बाद में मुजाहिदों का इजाफा होगा। और दिन अंदर अगर अपने पूरे लश्कर के साथ भी हमला करे तो हमें इतना आसान नहीं पाए। आसमान पर रंग ना होते आइए कुछ मेरी दो बदान बहन तुम शायद ये बात कब से ना ला सको लेकिन अंजला ये जानती है कि वो और तुम तो एक ही कश्ती में सवार हो। वो भी अपने मुंह से कब उसको ही कहेगा। वो मनस के आसमान को भरता रहता है। मैं हजार अंजला मेरा बेजुबान रहना ही अच्छा है। बशीर बिन हसन और मसूर तीनों कमरे में मौजूद हूँ और ये समय इसी जगह चलना चाहिए। समझी? लेकिन मैं दावत के लिए बहाना क्या बनाऊंगी? फिर उन्हीं के कपड़े पहनकर कस्तूरिया के 50 सिपाही वादी में दाखिल हो जाए।
कोचबान सिपाहियों को फले कबूल का दिखा देगा जहां हम मौजूद होंगे। वहां दो खिड़कियां हैं, अगर दोनों में शमें रोशन हुई तो इसका मतलब होगा बदर हमारे साथ है। खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूब। अब उदाउस के मंसूबे पर अमल किया जाए। फौजे बैराव, फौजे अलबैराव, ललितर सिंह को सरहदी फौजों को तैयारी का हुक्म दिया जाए। क्रिस्टोमियो, हम वादी को खाली। जुमे की रात बदर, बशीर बिन हसन और मंसूर तीनों इस कमरे में मौजूद हों और ये समय इसी जगह चलना चाहिए, समझी? लेकिन मैं दावत के लिए बहाने क्या बनाऊंगी? कुछ कह देना। मालूम नहीं क्यों, लेकिन वो कई दिन से बहुत बेचैन है। कौन? मैं रबिया की बात कर रही हूँ। मैंने उसका ध्यान बताने की कोशिश की है, तुम्हें नहीं मालूम अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती है। ये भी खूब हुआ कि मेहमानों ने अपने मेजबानों को तुम के घर तक बुला दिया। मैं गरीबी क्या कहता हूँ बदल, मैं बड़ा खुला पसंद शौहर हूँ, रन्ना तक पहुँचने का इंतजार नहीं कर सकती। कहने लगी शुक्रगुजारी के इजहार के लिए जगह की क्या बैठ, मैं आप बिस्मिल्ला। खातून नरिया ने तलब किया था, हम कैसे ना आते? ये तो आपकी नजर। जगह के क्या है, मैं आप बिस्मिल्ला। खातून नरिया ने तलब किया था, हम कैसे ना आते? ये तो आपकी नजर। बहुत आदित हो अली के बैंक भाई। वल्ला बहुत ही जी खुश हुआ कि आपने हम गरीबों को नवाजा। बुजुर्गवार, हम सिपाहियों के कलों और छावनियों में नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते?
आप बार बार आने का वादा करें तो हम बार बार बुलाएंगे। रशीद बिन हसन का कुछ नहीं कह सकता, ना वाला बार बार आने का वादा करता। अमीर मोहतरम, तुम्हारी चौकी पर एक नक्सली को वादी में दाखिल होते गिरफ्तार किया गया है। अतदार का ख्याल ये कस्तूरिया का भेजा हुआ जासूस है। इसे बंद कर दो, पूछताछ की जाएगी। अमीर चाहे तो अभी दे, हम सब इंतजार कर लेंगे। जासूस भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता, कस्तूरिया के हाथ में अक्सर ये तमाशा करते रहे। ये नशा तो कैसे लगे, मैं क्षमा लाती हूँ। क्षमा रहने दो, मेरे ख्याल में खाना शुरू कर दें। तभी बैठिए आप आइए। तुम तो कहते थे कि जुमे दिन में छुट्टी करते, कल इस भारत करते एक मुबारक दिन बदल नहीं रहेगा। तुम करने को यही पकड़ गया और खेल बिगड़ गया। खेल नहीं बिगड़ा, तुम्हारी जान बिगड़ाई थी। तुम्हें बताओ वो जवान वो भी उसके साथ होगा। एक एक बात पूछ रही है, वो उससे एक एक बात पूछ रही है। क्या सोचा, कहाँ जा रही? कुछ नहीं, कहीं नहीं। दुश्मनों के काफले के साथ आया, बस नसीब हूँ जिन्होंने हारे और तेरे साथ काम किया उनके लिए गद्दारी। नमस्कार, क्या गड़बड़ होगी? पहले और बातें मत करो। वो इस तरफ बढ़ने से पहले ही खेल लिए। अरे मैं हर तरफ बहुत सारी गाड़ी नजर आ रहे हैं। तुम तो कहते थे कि जुमे के दिन में छुट्टी करते, कल से बाहर रहते, आराम करते। एक मुबारक दिन बदल नहीं रहेगा। तुम करने को यही वक्त रह गया और बना बना खेल बिगड़ गया। खेल नहीं बिगड़ा, अभी तो हमारी जान भी बनाई थी। नहीं समझे, वो जवान वो भी उनके साथ होगा। ओ खुदा, मरिया उससे एक एक बात पूछ रही है, उससे एक एक बात पूछ रही है।
कुछ नहीं, कहीं नहीं। के लिबास में कस्तूरिया के नसरानी हैं। ये यहाँ आका दुश्मनों के काफिले के साथ आया था। बदनसीब मलून, जिन्होंने हमारे और तेरे साथ एहसान किया उनसे ये गद्दारी। नमक ये तुमने क्या किया? मार दिया। आप अमीर के मेहमान हैं, आपको नहीं मालूम क्या जंग में कैद होने वालों का नहीं किया जाता? ये मैंने क्या कर दिया? ये तो खत्म हो गया। आपको अमीर के पास चलना होगा। मैं मजबूर हूँ, कितनी गिरफ्तार थी सोला बच के कोई नहीं हटा सका। दाऊद आप क्या बात, इन्होंने यह कैदी को हलाक कर दिया। कैदी को हलाक कर दिया? अगर क्यों, कैसे? अब दाऊद आपको इल्म है क्या? नहीं पर मुझे मालूम है, मगर उस नमक हराम कोसवान को दुश्मनों के साथ देखकर मैं अपने आप पर काबू न रख सका। दुश्मनों के साथ? वही गद्दार इन कातिलों को अपने साथ ले आया था। अभी पता, मैंने आपके कानून के खिलाफ वर्जी की है। मैं आपका मुजरिम हूँ। मैंने जिसे वफादार समझा था वो मेरा, आपका और मुसलमानों को दुश्मन निकला। मैंने आस्तीन में सांप पाला था। मैंने उसकी सिफारिश इसलिए की थी कि वो मजदूर अपने बाल बच्चों को ले आए, लेकिन वो दुश्मनों को ले आया। बाबा, अगर वो मुसलमान न होता तो मैं इस तरह जज्बात का अंधा न हो जाता। लेकिन फिर भी मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। आपने अच्छा नहीं किया बताओ, अगर अब कुछ नहीं हो सकता। आप जाइए, आराम कीजिए। हमारे मेहमान ने अच्छा नहीं किया, उसको चौहान से बहुत कुछ मालूम किया जा सकता था। हाँ शायद, मगर अब मालूम करने को राजी कर दिया है। मामा कह रहे थे आपस में लड़ाई हुई है। हाँ हाँ, क्या तुमने भी तो आवाजें सुनी थी? मुझे तो ऐसा लगा था कस्तूरिया के सिपाही भी हूँ। पता नहीं, लेकिन कस्तूरिया के सिपाही यहाँ कैसे आ सकते हैं? हाँ हाँ, और क्या,